शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो, उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों? क्यों? इसे क्षमा कीजिए राजगुरु। चलो पुत्र। नहीं पिताश्री, आज इस क्रीड़ांगन में मुझे अपने सामर्थ्य का परिचय देना ही है। मैं निसंदेह ही कुमार अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। मौन रहो राधे, अब चलो यहां से। यह तुम्हारे पिता का आदेश है कि तुम यह स्पर्धा नहीं करोगे। चले जाओ सूत पुत्र, अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहां पे स्थान मिल सकता है या सम्मान। हमारे भाग्य में ये दोनों ही नहीं। चलो कर्ण। कर्ण चलो यहां से। चलो यहां से। चल। धनुर्धारी, मैं राज गुरुदेव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
जब ब्राह्मण कुल के रावण ने आह्वान दिया तो क्षत्रिय कुल के भगवान राम ने उत्तर क्यों दिया? असुर वंश के वृष परवा के सामने हमारे पूर्वज दुष्यंत ने शस्त्र क्यों उठाए थे? क्योंकि रावण और वृष परवा भी किसी प्रदेश के राजा थे। परंपरा यह है कि यदि ये युवान धनुर्धारी कहीं का राजा हो तो वो अर्जुन को आह्वान दे सकता है। तो आज इसी क्षण से ये युवान धनुर्धारी राजा है। मैं इसे राजा घोषित करता हूं। राजा